हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। निरंतर दूसरे दिन -4 डिग्री पर पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू। सोमवार से लगातार -3 डिग्री व -4 डिग्री के बीच रहा माउंट आबू का न्यूनतम तापमान। कड़ाके की ठंड में लोगों की बदली आबाबोहवा। पिछले 4 दिनों से माइनस में जम रहा माउंट आबू, कल सुबह व शाम होते ही लोग जला लेते हैं अलाव आबू रोड। पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू पिछले 4 दिनों से लगातार न्यूनतम तापमान माइनस में जाने के कारण जम रहा है। माउंट आबू में बुधवार की तरह गुरुवार को भी -4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ, जिसका असर यह रहा कि घास के मैदानों पर ओस जम जाने से बर्फ सफेद चादर के रूप में दिखाई दी। ठीक उसी प्रकार से वाहनों के शीशों पर व घास के मैदानों सहित नक्की झील में खड़ी हुई नावों में भी ओस जम जाने के कारण बर्फ जमी हुई दिखाई दी। माउंट आबू में पिछले बीते हुए 4 दिनों से न्यूनतम तापमान में आ रही निरंतर गिरावट से पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। यहाँ पर पड़ रही कड़ाके की ठंड से माउंट आबू की दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक धूप के सहारे तो शाम होते ही आग के अलाव को तापते हुए निहारे निहारे गुजर रही है। माउंट आबू के चांदमारी रेंज की बात की जाए तो यहाँ पर भी स्थित घास के मैदानों में चारों ओर सफेद बर्फ की चादर ही जमी हुई दिखाई दे रही है। यह मौसम के इस ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम का जनजीवन का एहसास करवा रही है। जो दृश्य हमें अक्सर कश्मीर व अन्य स्थानों पर नजर आते हैं, ठीक ही दृश्य रेगिस्तान वाले राजस्थान में स्थित माउंट आबू में भी नजर आ रहे हैं, जहां पर बर्फ की चादर जमी हुई दिखाई दे रही है। जागरूक टीवी के आबू रोड से खास रिपोर्ट।